हमने एक न्यू प्रोजेक्ट करा हुआ है, ये हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट मौजूद है जो कि हमारे पास यहाँ पे लोड हो रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने लिखा है सेट लेआउट। ठीक है, हमें करना क्या है कि पहले हमने एंड्रॉइड के डिजाइन को बनाना है और उसके बाद हमने उसको एक्सपोर्ट करना है। देन उसको एक्सपोर्ट करने के बाद हमें जो है वो करना चाहिए, कभी कभी ना इस तरह क्रिडल का भी एरर देता है, ये मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक कर देना तो क्रिडल प्रॉपर्टीज में हमारे पास ये आ रहा होता है ये। ठीक है, तो इसको आप जो है वो थोड़ा सा कम करके भी अगर दे दो, ठीक है, और इसको सिंक्रोनाइज कर दो तो ये भी आपके पास सेट हो जाता है। ठीक है, ये JVM आर्ग्यूमेंट होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये पोर्ट टाइप का होता है तो इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ज्यादा होता है वो लेट सपोज किसी और उसको असाइन हुई है तो आप इसको चेंज कर दो तो ये भी सेट हो जाता है। सिग्नलाइज करना होता है, चेंज करने के बाद ऊपर सिग्नलाइज का बटन आता है, उसको आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास ये एरर रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो कि ये सारी चीजें आपकी हो चुकी है। इस वाले को आप कट कर देंगे, ये मेन एक्टिविटी है और ये मेन एक्टिविटी का हमारे पास डिजाइन है। काम इसके ऊपर अभी हमें कुछ नहीं करना, पहले हमने लेआउट अलग से एडोब एक्सिबिट डिजाइन करना है, देन वो लेआउट उठा के हम यहाँ ले जाए। बात समझ पाई? देख सकते हो कि मैंने ये एंड्रॉइड लेआउट डिजाइन का एक अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना लिया है, जो मुझे जो भी काम करना है जो प्लेस करूंगी मैं इसी फोल्डर के अंदर करूंगी। एडोब एक्सडी ओपन किया, अब ये खुल जाए तो हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। देखो, हमारे पास जो है ना इधर प्रोटोटाइप डिजाइन प्रोटोटाइप एंड शेयर आता है। ठीक है, ये आप कर लेना, अपने सिस्टम में एक दफा करोगे सॉल्यूशन हो जाएगी, बार बार हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये होता है हमारे पास मोबाइल के लिए, अगर मैं वेबसाइट के लिए डिजाइन कर रही हूँ तो मेरे पास वेबसाइट का आ रहा होगा। ठीक है, और अगर मैं कोई कस्टम साइज अपना डिफाइन करना चाह रही हूँ तो मेरे पास कस्टम आ रहा होगा। ठीक है, ये मेरे पुराने डिजाइन है। ठीक है, ये मोबाइल का है, मोबाइल के इसमें जब आप आते हैं ना स्क्रीन साइज, मैं अगर इसकी ड्रॉप डाउन अगर आपको यहाँ पे नीचे दिखाऊं कि भाई ड्रॉप डाउन के अंदर मेरे पास ये साइज गिवन है कि भाई मेरे पास कौन सा फोन है। बात समझ में आ रही है? स्क्रीन साइज, नॉर्मली स्क्रीन साइज आप कौन सा नॉर्मली मोबाइल की स्क्रीन साइज का पता है किसी को? नहीं, इनमें से देख के बताओ, अगर स्टैंडर्ड कोई बताओ। तो मैंने तो बेसिकली लिया ही क्योंकि स्टैंडर्ड ही हम लोग यही वाला सिलेक्ट कर रहे थे कि किसी भी स्क्रीन साइज का हो वो मेरे पास यहाँ पे चल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है वेबसाइट के लिए डिजाइन करना चाह रहे हो, इंस्टा स्टोरी के लिए कस्टम विड्थ और हाइट भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली मेरे पास ये यहाँ पे ये सिलेक्टेड हुआ है ना, मैंने बस यही वाला जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, चाहो तो आपकी अपनी मर्जी है, आप इसमें से कोई सा भी गूगल पिक्सल 4 और ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसको मैंने जैसे ही क्लिक करा, क्लिक करने के बाद अब मेरे पास जो है ना डिजाइन आएगा। अब मैं कोई एक पेज डिजाइन कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप अपनी मर्जी है, आपको जैसे दिल चाहे डिजाइन करना। अब ये लोड हो रहा है, ये पास है। मेरे पास ये मोबाइल का स्क्रीन साइज आ गया। कुछ इसके मैं चीजें आपको बता दूं। ठीक है, कंट्रोल अगर हम प्लस या माइनस अगर हम कर रहे होते हैं, ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर मैं प्लस कर रही हूँ तो ये इंक्रीज हो रहा है, कंट्रोल के साथ मैं अगर माइनस कर रही हूँ तो ये इस तरीके से माइनस हो रहा है, और ये आप एडजस्ट कर लो, बस इतना मुझे नजर आना चाहिए। ठीक है, अब ये मेरे पास आईफोन और ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है, मैं अपने फोन का जो नाम है बेसिकली ये मेरा पेज का नाम होता है। ठीक है, उसका नाम नहीं होता, ये फोन का नाम नहीं है। मेरे पास पहला पेज कौन सा, मैंने कहा ये मेरे पास पहला पेज जो है वो अगर वहां से नहीं हो रहा तो आप यहां से भी इसको जो है ना कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट, तो होना तो चाहिए। अच्छा, कोशिश ये करूंगी कि जो भी नाम यहाँ पे रखोगे ना वो स्मॉल में होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से हम ख्याल रखते हैं अपनी एक्टिविटीज के अंदर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्प्लैश, ठीक है, स्क्रीन। बात समझ में आई? और अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर लो। अब मेरे पास एक पर्टिकुलर स्क्रीन है, मुझे इसके ऊपर ना कुछ
डिजाइन करना। डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज करनी है, आपने ऊपर हेडिंग डालनी है, जो भी डालनी है। ये मेरे पास नजर आ रहा है रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप मैंने यहाँ से लिया और इसको मैंने यहाँ पे लेके इस तरीके से अभी इसको यहाँ पे इस तरह यहाँ पे प्लेस करा है। इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करो, इसको थोड़ा सा आप इसको टॉप पे ले जाओ, मूव कर लो। अब यहाँ पे ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही होगी। अब प्रॉपर्टीज में हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर मैं ये करती हूँ ना कंट्रोल आर, तो ये रिपीट हो जाता है। कंट्रोल आर करूंगी, ठीक है, और इसको नीचे करूंगी ना तो ये सारे इस तरह रिपीट होके बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई इस जैसी चीज बना ली है बार बार रिपीट कर, बात समझ में आई? वैसे मैं कंट्रोल सेट कर रही हूँ, मुझे रिपीट नहीं करना, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है और मैंने यहाँ पे इसके जो है वो फिल के ऊपर कलर लगाना है। मैंने कहा कि फिल के ऊपर मेरे पास इधर से आप कोई कलर ले लो और उसका फिर यहाँ पे ना शेड आप इस तरीके से ले सकते हो कि भाई मुझे ये शेड रखना है, मुझे ये शेड रखना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर भी मैंने कहा यही कलर है। अब मैं यहाँ से कैसे एडजस्ट करूंगी, मैंने इसका ये लिया, सही है, पिक कर लिया और उसको सेलेक्ट कर दिया, बॉर्डर का कलर भी यही हो गया। बात समझ में आई? इसके बाद मुझे इसके ऊपर लेट्स सपोज टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे आई और मैंने इसके ऊपर इस तरह यहाँ पे कर्सर रखा। अब मेरा टेक्स्ट है, अब मेरा जो टेक्स्ट है लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, ये ब्लैक कलर में आपको ये नजर आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेट्स सपोज हमारी ये जो एप्लीकेशन है वो है स्मार्ट मोबाइल ऐप, ठीक है। हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट मोबाइल ऐप, सही है। अब इस वाले को मैंने यहाँ से इस तरह करा, आप ये देखो लाइन आ रही है, उधर भी आ रहा होगा कि उधर से 144 पे और इधर से 143 की मार्जिन, और ये सेंटर हुआ हुआ है, ठीक है, इसको आप सेंटर होने दो। यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने कहा हेडिंग का जो साइज होता है वो मुझे यहाँ पे 16 रखना है, हो गया। अब आप इसको दोबारा से एडजस्ट कर लो, ठीक है, और अब इसका कलर चेंज करना है। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हमारे पास ये आ रहा है, टेक्स्ट का जो भी फिल आ रहा है या जो भी बॉर्डर आ रहा है, मैंने कहा भाई व्हाइट कलर रखना है, ठीक है, व्हाइट कलर रख दिया। रेगुलर नहीं करना मुझे इसको, यहाँ से आप आओ, इसको मैंने ये कह दिया कि भाई मेरे पास जो है ना बोल्ड कलर, बोल्ड होना चाहिए थोड़ा सा, और अगर आपने इसको बड़ा रखना है तो आप इसको और ज्यादा इसका कर सकते हो, ठीक है। ये इसकी ना राइटिंग स्टाइल होती है, तो राइटिंग स्टाइल अगर आपने यहाँ से कोई और सी रखनी है तो आप वो वाली भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जो आपको लगता है। नॉर्मली हम जो यूज करते हैं टाइम्स न्यू रोमन यूज कर सकते हो, है ना, मतलब नजर नहीं आ रहा, बार बार तुम्हें चेंज करके देखना पड़ेगा, या तो नेट से आप कोई राइटिंग स्टाइल निकाल लो और उसका जो है ना नाम इसके ऊपर पुट कर दो तो वो भी आपको जो है वो बता देगा, ठीक है। अब ये इस तरह आ रहा है हमारे पास, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज और बड़ा होगा क्योंकि ये इस स्टाइल में थोड़ा इस तरीके से हमारे पास नजर आ रहा है। इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, पहले तो हो रहा था, अब ये हो नहीं रहा है, सेंटर अलाइन हो गया, ठीक है।
ये मेरे पास इसकी हेडिंग हो गई यहाँ पे। अब बात दरअसल ये है कि मैं इस वाली हेड, एक मिनट, इसको मैं सेव भी करा लूँ ना पहले। तो सेव कराने के लिए मुझे जो इसको सेव करना है वो कहाँ पे सेव करना है, ठीक है, और किस नाम से हमें सेव करना है, और कहाँ पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करना है या क्लाउड पे सेव करना है। तो पहले मैं इसको कैंसिल करूँ, पहले मैं इसको यहाँ से सेव एज कर रही हूँ। तो बेसिकली हमें, मैंने कहा कि मुझे सेव एज करना है और मुझे जो है वो क्लाउड पे नहीं ही करना, ठीक है, कहीं और करना है। खैर अभी जा तो क्लाउड पे ही रहा है। सेव एज लोकल डॉक्यूमेंट, यहाँ नीचे आ जाओ और डेस्कटॉप के ऊपर हमने बनाया है एंड्रॉइड लेआउट डिजाइन का फोल्डर, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेआउट। अच्छा, इसको अब ये देखो, ये मेरे पास जो ये स्प्लैश स्क्रीन और ये जो टेक्स्ट है ना रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, बेसिकली मेरे पास ये रेक्टेंगुलर शेप आ रहा है, ठीक है, ये पीछे वाला आ रहा है ना इसका नाम, मैं इसके नाम को यहाँ से रीनेम कर रही हूँ। मैंने कहा ये रेक्टेंगुलर नहीं है, मेरे पास ये क्या है, हेडर है। क्या है बेसिकली, ये हेडर है। इस हेडर को और इस वाले को मैं चाहती हूँ कि मैं मर्ज कर दूँ, ठीक है ना, ताकि मेरे पास ये चीजें आगे पीछे ना हो। तो मैंने इन दोनों को और इन दोनों को मैंने कंट्रोल से सिलेक्ट करा, सिलेक्ट हो गए, साइड से सिलेक्ट करा, दोनों सिलेक्टेड है, राइट क्लिक करा और मेरे पास ये आ रहा होगा ग्रुप का ऑप्शन। अब ये ग्रुप वन हो गया। अब इस ग्रुप वन को मैं रीनेम करके वापस हम यहाँ कह सकते हो कि भाई ये हेडिंग है या मेरा हेडर है, ठीक है, बात समझ में आई। आपने इसको ये कह दिया कि मेरे पास हेडर है, इससे ये होगा कि मैं कहीं पे भी मूव करूंगी ना, टेक्स्ट और ये लिखा हुआ साथ मूव होगा, वरना अलग अलग मूव होते, बात समझ में आ रही है। ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास लेट सपोज कोई भी डिजाइन है, कोई सर्च बॉक्स टाइप का है या कोई आपके पास किसी भी तरह का आप कोई वो देना चाह रहे हो कि यहाँ पे आपने लिखा कि एंटर योर मोबाइल का जो भी आपने कहा कि नाम हो और उसके साथ जो है वो आप सर्च करना चाह रहे हो, या आपके पास यहाँ पे तीन चार कंपनीज के नेम आ रहे हैं और उसके साथ उसकी नीचे हेडिंग आ रही है, बात समझ में आ रही है। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास पिक्चर आएगी, इधर एक हेडिंग आएगी, उसके नीचे जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, जो मोबाइल की होती है ना आपकी हेडिंग और उस तरीके से चीजें आ रही होती है, तो हम वो चीजें यहाँ पे कर लेते हैं कि पिक्चर्स पहले उठा लेते हैं, ठीक है, फेक है ये हमारे पास, ये मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर हमने जो है वो क्या करना होता है, हमने इम्पोर्ट करना है ना, तो हमें इम्पोर्ट क्या चीज करनी है, ठीक है, हमें जो भी पिक्चर्स अपनी इम्पोर्ट करनी है डेस्कटॉप पे आए, और आने के बाद हमारे पास ये है, और मैंने ये सारे लोगो सेलेक्ट करे और इसको मैंने ना यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। मेरे पास ये बहुत बड़े बड़े इसमें आ रहे हैं ना, ठीक है, इसका ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इसको इस तरह कर सकते हो। अभी मैंने इसको किया कंट्रोल, हमारे पास जो होता है ऑप्शन है कंट्रोल टी, इसको मैं इस तरह स्मॉल करती जाऊंगी। अच्छा, मेरे पास उस साइड पे चली गई है, उधर जाने के लिए हम स्पेस करेंगे तो मेरे पास हैंड आ जाएगा इस तरह, ये आ रही है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास जो चीजें मौजूद है, ठीक है ना, इधर, और इन सबको मैंने सेलेक्ट करके ही कंट्रोल टी प्रेस करा हुआ था, और अब मैं इन सबको एक साथ जो है ना शिफ्ट करके जो है वो छोटा कर रही हूँ, ठीक है ना, और स्पेस प्रेस करके अब आप यहाँ देख सकते हो इस तरह। अच्छा, ये खैर उल्टा हो गया है, इधर नहीं नहीं खुद ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास ये सारी चीजें है ना, अब इन सबको मैं यहाँ मूव करके लेके आ रही हूँ, ठीक है ना, कि भाई मुझे इसको जो है वो उठाना है और उठा के हमें जो है वो इसको ऊपर लेके आना है बारी बारी ना। तो ये सारे हमने यहाँ से इसको किया, इसको हमने लिया और हमने कहा कि हम इसको ना बारी बारी एक एक करके हम ले जाते हैं, ठीक है। अब हमें इसको यहाँ प्लेस किया, मैंने इस वाले को फिर मैंने यहाँ प्लेस करा आगे, इस वाले को थोड़ा आगे प्लेस कर दिया, इस वाले को भी हमने थोड़ा आगे पेश कर दिया, वापस आ रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी चीजें हैं ना, हम यहाँ ऊपर करके मैं अभी प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, फिर हम बारी बारी यहाँ से उठा लेंगे कि हमें ना क्या चीज उठानी है और किस तरीके से हमें इस पे रखना है, ठीक है। अच्छा, मुझे अब इसके ऊपर ये रखना है ब्लैकबेरी, यानी कि मैंने कहा कि मुझे किस कंपनी का मतलब देखना है, वो है मेरे पास ब्लैकबेरी का, ये मैंने सेंटर अलाइन कर दिया,
सही है ना, अब ये सेंटर अलाइन हो गया मेरे पास। इसके बाद है मेरे पास सैमसंग है, इसको भी मैं सेंटर अलाइन ही कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास इसका साइज छोटा है। शिफ्ट प्रेस करा मैंने, कहा सबका साइज ना थोड़ा सा इक्वली होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि ये 53 का स्पेस है, बताती हूँ मैं। हाँ भाई, मेरे पास ये लेनोवो का हो गया, इसको भी मैंने जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करा, और शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा इसको बाहर करा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले का और ऊपर वाले का जो बीच का गैप है ना, कि ये वो भी कैलकुलेट करके बता रहा है। ठीक है, कि आप इसमें ये वाला रख सकते हो। अब यहाँ पे भी हम जो है इधर भी अगर हम ये प्लेस करते हैं और इस वाले को, तो ये इधर भी बताएगा कि इन सबके बीच में जो गैप है वो 53 का। शिफ्ट करके मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे किया, और अब मैं दोबारा चेक करूंगी कि मेरा जो गैप है वो कहीं खत्म तो नहीं हुआ। और इन सारों को आप थोड़ा सा नीचे की तरफ सेलेक्ट ऑल किया हुआ, थोड़ा सा मैंने नीचे करके इधर किया हुआ। अच्छा, अब मुझे इनको क्या बनाना है, बटन बनाने। तो मैं इनको बटन बना सकती हूँ इस तरीके से, मैंने यहाँ पे रखा है। अच्छा, ये मेरा एक बटन टाइप का है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जा रही हूँ, मेरी पिक्चर तो छुप गई। तो मैं क्या करूंगी, पहले तो इसको कलर वगैरह दे देते हैं, फिर मैं इसको सेट कराती हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि फिल इसका जो कलर है यही वाला पिक करो। ठीक है, और इसका जो बॉर्डर है वो भी सेम हमने यही रखना है। ठीक है, पहले इसको सेट कर ले, फिर इसके ऊपर हम डिस्प्ले लेके आएंगे। इसके बाद हमने कहा कि इसके ऊपर कोई बॉर्डर अगर आपने देना है, या आपने इसको यहां से जो है, ठीक है, ये आपके पास होता है रेडियस टाइप का, मतलब बटन के ऊपर हमें जो रेडियस लगाना है वो यहाँ पे हमें कितना लगाना है। मैंने यहाँ कहा यहाँ पे 5 5 5 5, थोड़ा सा कर्व हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इसको कर रही हूँ 20। ठीक है, तो ये ज्यादा नजर आ रहा है, आ रहा है नजर। ठीक है, और मैंने कहा कि इधर से 20 है, देन इधर से मैं अब 20 कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह का डिजाइन हो गया। बात समझ में आ रही है, आई बात समझ में। अब इस वाले शेप को रिपीट करना है, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल आर प्रेस करूंगी, और मैंने कहा कि मुझे इसके ना 4 बनाने। ठीक है, क्या बनाने, 4। मेरे पास पिक्चर कितनी है, 4 है, तो मैंने कहा कि मुझे 4 बनाने। इस तरह होते ही मेरे पास अलग ही अलग है। ठीक है, लेकिन हम इसको ना 4 शेप करके इस तरह यूज कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ग्रिड है। अच्छा, अब मैंने कह दिया इसको कि ये जो है मेरे पास जो डिस्प्ले है ना, अरेंज में मैं जा रही हूँ, मैंने कहा कि सेंड टू बैक, यानी बैक पे जाओ ताकि मुझे ये नजर आए। बात समझ में आ रही है, या तो आप रिपीट करके बना लो। अच्छा, इसमें क्या होता है, यू करूंगी तो इधर भी ड्रॉ हो जाए। बात समझ में आ रही है, मुझे उधर ड्रॉ नहीं करना। अच्छा, ये अब इसके ऊपर एडजस्ट करना है मुझे, तो अब इसका साइज जो है वो मैं कंट्रोल से जो है वो इसको मैं क्या करूंगी, इस वाले को करना है। ठीक है, नहीं तो वो मतलब उसकी पिक्चर के हिसाब से आना चाहिए। कंट्रोल सेट, ठीक है, आ रहा है ये सही समझ में। इसको थोड़ा सा इस तरह कर दो, ठीक है, ताकि ये भी इसके साथ ही एडजस्ट हो जाए, मतलब बड़ा बड़ा सा लुक इसका बुरा ना लगे। बात समझ में आई, इस तरह हम इसको डिजाइन कर सकते, समझ गए। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे रिपीट ग्रिड है, जो भी आपके पास है, ठीक है, रिपीट है, तो आप इसको कुछ भी दे दो कि भाई ये ग्रिड हमारे पास रिपीट हो रही है। ठीक है, अनग्रुप करो। ठीक है, अनग्रुप का मतलब है कि ये अलग अलग हो जाएंगे। इनको मैंने क्या कर दिया है, अनग्रुप कर दिया। अब अनग्रुप करने से फायदा क्या हुआ कि अब ये मेरे पास अलग अलग सिलेक्शन आ गई, क्योंकि मुझे चाहिए थी अलग अलग। समझ में आई बात, हाँ, यहाँ पे मेरे पास ग्रुप आ रही थी ना, रिपीट ग्रुप आ रहा, तो मैंने उस पर राइट क्लिक करके उसको अनग्रुप कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ना नाम चेंज करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ब्लैक बेरी बटन, इस तरह। ठीक है,
इस वाली का नाम मैंने चेंज कर, अच्छा ये वाला जो है ना चेक कर लेना कौन सा है। अब मैं जिसपे सिलेक्ट कर रही हूँ ना ये वही आ रहा है, बात समझ में आ रही है? तो उसी के हिसाब से उसका नाम लिखना, ये नहीं अपनी सीक्वेंस में देख के लिख दिया। अब इसका मेरे पास है इस तरह, वाले का हमारे पास हो गया। ये वाला कौन सा था? सही है। अब मेरे पास ये सारे बटन मेरे पास सेपरेट है। इसी तरीके से मुझे एक और फुटर अगर लगाना है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से फुटर भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी मैंने रेक्टेंगल ऐड करा है, मेरे पास ये मैंने कह दिया कि ये मेरा जो है वो फुटर है। फुटर में कुछ भी नहीं है, इसका जो बैकग्राउंड कलर और ये जो फिल कलर है ना, इसको भी आपने जो है वो फिगर उठाया, ये लगाया, ठीक है, बॉर्डर पे भी जाके फिगर लगाया, यही कलर उठाया कि ऊपर वाले से मैच होना चाहिए। अच्छा मैं नीचे नीचे कुछ दे नहीं रही, बस सिर्फ इतना ही बनाया, जो लिखना है लिख सकते हो, कैसा भी डिजाइन बना लो तुम्हारी अपनी मर्जी है। इसके बाद इसको मैंने यहाँ पे पहले तो सेव कर लिया, ठीक है ना, आपने कह दिया कंट्रोल एस करा, सब सेव हो गया। मेरे पास अब ये कर्सर है, ये मेरे पास साइट पे मेरे पास इन चीजों के नाम लिखे हुए आ रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये जो स्प्लैश स्क्रीन है और इसको मैं अगर देख रही हूँ तो मेरे पास ये सब चीजें आ रही, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑल आइटम्स है, इमेज है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे ये सब नजर आ रहा है कि स्प्लैश स्क्रीन को हम खोल भी दें और डिस्प्ले भी करा लें तो हमारे पास यहाँ पे ये आता है, ठीक है। इसके बाद कोई और पेज बनाना है आप इसको और पेज भी बना सकते हैं। अच्छा अब हमारे पास एक होता है एक्सपोर्ट करना, क्या करना है मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए ये होता है कि आप एक्सपोर्ट करना क्या चाहते हो। मैंने कहा जो मेरे पास ऑल बोर्ड है ना, ऑल बोर्ड का मतलब होता है कि सारे जितनी भी चीजें पीएनजी के अंदर ही ये एक्सपोर्ट करता है, ये बात समझ में आ रही है? किसमें एक्सपोर्ट करता है? पीएनजी ही में एक्सपोर्ट करता है। मैंने कहा कि मुझे एंड्रॉइड में करना, ठीक है, मुझे किसमें कराना है? एंड्रॉइड में कराना है। ये मुझे ना वो बता देता है कि आप एमडीपी इस पे इस पे इस पे इस पे, मतलब आपके पास ड्रॉएबल के अंदर ना फोल्डर होते हैं ये साइजेस के होते हैं, ठीक है, तो आप अलग अलग साइजेस भी लेके अलग 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 भी इसके बना सकते हो। खैर मैंने कह दिया यहाँ पे, मैंने कहा चेंज करो, ये मुझे इसका जो है वो रखना कहाँ पे, एंड्रॉइड डेस्कटॉप के ऊपर, मेरे पास एंड्रॉइड लेआउट डिजाइन का फोल्डर है, इसके अंदर मुझे रखना है। तो इसके अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करती हूँ और इसमें मैंने जो रखा है वो है मेरे पास ले आउट, ठीक है। इस वाले फोल्डर पे मैंने सिलेक्ट करा और मैंने कहा कि एम डी पी आई बेसिकली हम किसको कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने कहा एक्सपोर्ट ऑल आर्ट बोर्ड, जितने भी आर्ट बोर्ड के अंदर है वो सारे के सारे एक्सपोर्ट कर, इसने एक्सपोर्ट कर दिया है। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास जो एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, वो क्या चीज एक्सपोर्ट होके आई है, ठीक है। ये सारे आपको क्या है, सारे साइजेस उसने बनाए। अब हर साइज के अंदर अगर आप देखोगे तो ये इस तरह आ रहा है, ठीक है, बात सुन लो समझ लो, ठीक है। और अगर मैं इस तरह देखी तो सबका एक 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 आ रहा है, क्योंकि मैंने तो सिलेक्ट कुछ नहीं किया था ना, उसने क्या क्या सेम कर दी, पर मुझे तो सेपरेट चाहिए, बात समझ में आ रही है? मुझे क्या चाहिए? सेपरेट चाहिए। अब ये हर एक का इस तरह आ रहा है, बताने का मकसद ये था कि अगर मैं इस तरह एक्सपोर्ट करती हूँ तो मेरे पास इस तरह से चीजें आएंगी। अब मैंने इन सबको सिलेक्ट करा है, ये देख रहे हो, सिलेक्ट करा। अब इस सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, मेक फॉर एक्सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है, कि भाई मार्क फॉर एक्सपोर्ट मैंने किया कि भाई अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। और आप एक्सपोर्ट सिलेक्टेड पे चले जाओ,
एंड्रॉइड पे जाएंगे और अब मैंने कहा कि मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। अब इस वाले लेआउट इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रही हूँ क्योंकि उसी फोल्डर में नहीं रखती मैं, ठीक है, ताकि दोनों का फर्क समझ में आए आपको। लेआउट अब इस वाले फोल्डर के अंदर आना चाहिए, एक्सपोर्ट। अलग 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 आ रहा है, बात समझ में आई। अब हमारी गलती है कि हमने इस बटन के साथ जो इसका ये है ना, हमें इसे ग्रुप करना है, बात समझ में आ रही है, वरना ये देखो इसके बाहर निकल के आ गया, आया ना। तो हमें क्या करना चाहिए था, उसको ग्रुप करना चाहिए था ताकि जो है ना हमारे पास बटन एक जैसे सेट होकर आए, ठीक है। आप करोगे क्या, इस वाले को कंट्रोल प्रेस करो और इस वाले को सिलेक्ट करो। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको ग्रुप कर दिया, हो गया ये ग्रुप, ठीक है। अब इसका नाम आप यहाँ दे सकते हो, ब्लैक बेरी बीटी, ठीक है, बात समझ रहे हो। सैमसंग और इसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, ग्रुप करा, इस वाले को अब मैं रीनेम कर दूंगी। ये थोड़ा सा डिटेल में काम करना पड़ता है, मैं इसलिए आपको करके दिखा रही हूं। सही है, ये तो खैर आर्टबोर्ड मैंने दूसरा ऐड कर दिया, नहीं चाहिए। लेनोवो और इसके पीछे वाला राइट क्लिक ग्रुप, मोटरोला और इसके ये पीछे वाला राइट क्लिक ग्रुप, यहां पे रखते हुए कंट्रोल ए कर लिया आप इसको, ठीक है। एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, एक्सपोर्ट, मैंने कहा रिप्लेस कर दो, जो वहां पे पहली चीजें मौजूद थी ना वो सारी रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा एक मिनट, मैं किधर वाले में किया है मैं वो तो देखूं, बेटर ये है कि इसमें से ये सारा डिलीट करो, अब करो मार्क फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, लेआउट टू, चलो देखते हैं इसमें इसकी फिर वो एक्सएमएल बनाई या पीएनजी बनाई, लेकिन इसने डिस्प्ले में फिर अलग नहीं किया, ये उठा रहा है। बटन यहां से फुटर हो गया हमारे पास, ये पिक्चर छोड़ दो, हेडर हो गया हमारे पास, ये बटन, ये बटन, ये बटन और ये बटन, इसको एक्सपोर्ट कर, नहीं रहा। खैर चलो हम लगा लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। खैर हमारे पास ये पिक्चर्स आ गई, ये फोल्डर्स आ गई, ये सारे फोल्डर हमने कॉपी करने हैं।
कॉपी करके हमें रखने का है। अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के इस पे आओगे, रिसोर्स में जाओगे, ये तुम्हारा ड्रॉएबल का फोल्डर है ना, बल्कि इधर रिसोर्स में, रिसोर्स पे राइट क्लिक करोगे और इसके ऊपर यहाँ लाके पेस्ट कर दो। ठीक है, रिफैक्टर करा और मैंने यहाँ लाके पेस्ट कर लिया। अब ये जितना भी है ना वो मेरे पास ब्लैकबेरी का इस तरह आ रहा होगा, सारी साइजेस आ रही होगी। ठीक है, इस वाले का इस तरह आ रहा होगा, इसका इधर आ रहा है, फुटर का मेरे पास इधर आ रहा है, लिनोवो पीएनजी एक इधर आ रहा है, मोटरोला इधर आ रहा है, बटन मेरे पास इस तरह आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है इसके बैक का। ठीक है, और इसके ऊपर आपके पास ये इस तरीके से आ रहा है, समझ मारी। ये हर साइज का है, ये बेसिकली आपके पास हर साइज के ऊपर गिवन है। इसमें ये होता है कि अगर मेरी एप्लीकेशन ना किसी भी मोबाइल की किसी भी साइज पे खुलेगी ना, तो वो उसके हिसाब से पर्टिकुलर साइज के हिसाब से उसकी पिक्चर डिस्प्ले करेगा, ये होता है। अब आप इन पिक्चर को किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, डिजाइन यूज कर सकते हो, वो आप इसके ऊपर अपने अप्लाई करेंगे। लेट सपोज अब मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ इसको, अब मैंने ये पिक्चर लेके आ गए ना हम यहाँ पे। अब मुझे सबसे पहले हेडर लगाना है अपनी एक्टिविटी में, हमें क्या करना है, हेडर लगाना है। तो हम पहले तो इसको स्प्लिट करेंगे, अपना डिजाइन बैग से आपने खोल के रखना है। ये अब मेरे पास टेक्स्ट व्यू नहीं है, ठीक है ना, या आप अगर टेक्स्ट व्यू भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा इसके अंदर मेरे पास सबसे पहले जो है हम लीनियर लेआउट यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, लीनियर लेआउट यूज कर रहे हैं, और मैच पैरेंट, और मैच पैरेंट ओरिएंटेशन हम इसकी जो यूज करेंगे वो हमने यूज करनी है इसकी वर्टिकल। ठीक है, इस तरह। इसके अंदर सबसे पहले हमने कहा कि भाई मेरा एक टेक्स्ट व्यू है जो सबसे टॉप पे होगा, मैच पेरेंट। ठीक है, हाइट इसकी जो है वो रैप कंटेंट है। अब मैंने कहा इसके ऊपर मुझे बैकग्राउंड लगाना है, ठीक है ना, मेरा बैकग्राउंड क्या है, एट द रेट ड्रॉएबल के अंदर जो हेडर होगा, हेडर आया है इसमें उठ के, ड्रॉएबल ये रहा हेडर, आगे अप्लाई हुआ हुआ नजर आ रहा है। ऊपर ही लगाया है मैंने, बैकग्राउंड लगा, समझ गया। अब मेरे पास नीचे जो है वो मैंने क्या कहा कि मेरे पास बटन है, नीचे क्या है मेरे पास बटन है। अब बटन के इसमें क्या है कि मेरे पास जो बटन है वो बराबर बराबर में ऐड करना है, या जैसे भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, एक साथ ऐड करना है आप एक साथ ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसका बैकग्राउंड भी है, इमेज बटन लगाना है, इमेज बटन लगा लो, जो भी आपको लगाना है, इमेज व्यू रखना है, बैकग्राउंड आपको ये रखना है, उसका सोर्स आपने ये रखना है, तो ठीक है, आप इमेज व्यू के क्लिक पे भी कर सकते हो। अच्छा, बटन ये होता है इमेज बटन। ठीक है, अब इसके ऊपर इसकी और विद और हाइट आपने क्या रखनी है, यहां अगर आप आते हो तो बेसिकली इसकी जो विद और हाइट है ना, इधर देखो, सिर्फ इस बटन की जो विद और हाइट है ना वो ये दी, 58 डीबी और ये इतना दिया हुआ है, समझ में आ रही है बात। तो आप ये यहाँ से उठा लो और उठा के आप कह सकते हो कि भाई विड्थ इतनी डीबी है और ये डीबी में होगा, और हाइट 58 डीबी है, 58 ये डीबी में होगा, सही है। अभी ये यहाँ पे आ रहा है, सही है, इसको अभी हम सेंटर अलाइन करते हैं, कवर करो। ठीक है, इमेज बटन है, इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में मैंने कहा कि मुझे इसके ऊपर जो बैकग्राउंड रखना है वो एट द रेट ड्रॉएबल में से जाने के बाद ये वाला रखना है, आ रहा है कि नजर। अच्छा, इनके बीच में ना थोड़ी सी मार्जिन दे देना, सही है ना, इस टेक्स्ट व्यू के मैं मार्जिन बॉटम दे रही हूँ कि नीचे वाले पे ना मार्जिन दो, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 50 डीबी। ठीक है, तो अब जो मेरे पास बटन है ना वो इतनी गैप के बात मेरा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये बटन आ चुका है, अभी इस बटन को मैं एडजस्ट कराती हूँ।
सही है। अभी ये मेरे पास बटन ना सेट नहीं है, मुझे लेआउट जो ना सेंटर करना है। ठीक है, अब इस बटन के ऊपर सोर्स में मैंने कहा कि मुझे ड्रॉएबल का ये चाहिए। आ रहा है, आई बात समझ में? मार्जिन, अब इसकी मैं मार्जिन कर दे रही हूं टॉप से 30 dB, तो अब इसकी बॉटम से हटा दे। ठीक है, इसकी बॉटम से इसलिए हटा दे रही हूं कि मैंने ऊपर वाले पे अब लगा दी। अब यही बटन, अब सबके ऊपर आईडी अलग अलग खुद असाइन करनी है। अब यही चीज मैंने यहाँ नीचे पेस्ट करी, ठीक है, यहाँ पेस्ट करी, कितने बटन थे हमारे? 4। ठीक है ना, अब मेरे पास ये 4 आ रहे हैं इस तरह। ठीक है, मैं इसका साइज अब थोड़ा सा छोटा करूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये ब्लैकबेरी बटन हट गया, ठीक है ना, पहला। अब मेरे पास कौन सा था सीक्वेंस, आप देख सकते, अगर यहाँ की सीक्वेंस से रखना है तो आप यहाँ की सीक्वेंस भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास जो था वो सैमसंग गेरा, ठीक है, और इसका जो ये पार्ट था वो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग, देख लो, सही है। उसके बाद कौन सा था, लिनोवो, लिनोवो बटन और सिंपल लिनोवो, ठीक है, और खुला बटन। वैसे ये सबका अलग अलग लेने की जरूरत नहीं थी, एक ही ले लेते हैं तो शेप, ठीक है, तो वही सब पे फोकस हो जाता। ठीक है, ये फिर मोटरोला बटन आ रहा है, अगर ये एक ही नाम से मौजूद होते तो सबके ऊपर वही सेम लगा लेते। ठीक है, ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है, अगर चाहो तो कोई एक करके बटन शेप कर लेना। अच्छा, हमने इसका शेप ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ पिक्चर सबकी चेंज होगी, एडजस्ट हो रहा, बात समझ में आ रही है, इस तरह। अच्छा, अब इन सबको जरा इधर लेके आना है, हाँ हाँ, एडजस्ट मैप कर रही हूँ, सेट कर रहे हैं, देखो कोड लिख रहे हैं तो हो रहा है ये पिक्चर, हाँ ऑटो एडजस्ट हो रही, क्योंकि मैंने जो इसको स्पोर्ट किया है ना अपने डिजाइन के हिसाब से किया है ना, तो ये उसी के हिसाब से एडजस्ट होके आ रही है, और मैंने वही विथ और हाइट रखी हुई है, चेंज करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। अब ये देखो कोड आपको करना पड़ता है, ये नहीं है कि आप बिल्कुल कोड करना भी ना पड़े और एकदम से हलवा मिल जाए, ऐसा नहीं है, सही है ना, हो रहा है ना डिजाइन। इसके बाद इस लीनियर लेआउट के बाद मुझे अब फुटर इस पे वो लगाना है, नीचे फुटर लगाना है। मसला ये क्या, अगर मैं फुटर लगाऊंगी तो फुटर यहाँ आ जाए, ठीक है ना, तो मैं फुटर नहीं यहाँ पे इस तरह से डायरेक्टली नीचे फुटर नहीं डाल दूंगी, मैं कहूंगी इस लीनियर लेआउट के अंदर एक रिलेटिव लेआउट है, क्या है मेरा, एक रिलेटिव लेआउट है, मैच पैरेंट है, मैच पैरेंट है, ठीक है, और इस तरह, तो जितना नीचे का हिस्सा बचता है ना ये इसको असाइन हो जाएगा, सही है। और इसके अंदर अब मैं कोई टेक्स्ट व्यू ले लूं, इमेज ले लूं, कुछ भी ले लूं, मैंने कहा अब ये है मेरे पास मैच पैरेंट, फुटर में कुछ लिखा नहीं है, लिखा होता तो लिखा हुआ भी आता, ठीक है, फुटर आ रहा है ये इस तरह लिखा हुआ। अगर मैं मैच पैरेंट और इसकी हाइट अगर मैं कर देती हूँ रैप कंटेंट, तो ये इतना आ रहा है, अभी ये टॉप पे आ रहा है, मुझे नीचे लेके आना है, तो नीचे लाने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, पैरेंट अलाइन बॉटम होगा इसमें, ठीक है, इसको ट्रू कर देते हैं, तो ये खुद ब खुद उठ के नीचे आ जाता है, सेम। नाउ यू कैन सी ये और ये, जी साइड तो है ये,